मंगलवार को पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे रेल यात्री ऋतिक कुमार का मोबाइल झपटा मारकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने पकड़कर मधुपुर पुलिस के हवाले किया। घटना के संबंध में पीड़ित रेल यात्री ऋतिक ने बताया कि वे झाझा से ट्रेन में सवार होकर धनबाद जा रहा था। मधुपुर स्टेशन से ट्रेन खुलते ही कुछ दूरी पर पहले से घात लगाकर बैठे युवक ने उसके हाथ में किसी चीज से प्रहार कर दिया, जिससे उसका मोबाइल गिर गया। पीड़ित युवक अपने मोबाइल लेने के लिए ट्रेन से कूद पड़ा और मोबाइल लेकर भाग रहे युवक के पीछे दौड़ने लगा। आरोपी युवक मधुपुर बाजार पहुंचने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना मधुपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेते हुए थाने ले आई। पकड़े गए युवक के पास से यात्री का मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी युवक मधुपुर के चांदमारी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी कौन तुमको बता रहे हैं? मैंने वीडियो बनाया हुआ था, हम लेकर के जा रहे थे सर। तुम्हारा घर कहाँ है? चंदवारी घर है। धनबाद कहाँ जा रहा था? धनबाद से धनबाद जा रहे थे, जहाँ जहाँ से धनबाद जा रहे थे। अच्छा, तो क्या किया? तो वही मोबाइल कैसे पकड़ा ना, इसे तो हाथ से खींचा गया। अच्छा, कहाँ घर? ऐसे कहाँ है? धनबाद घर है। और किधर कहाँ जा रहे थे? धनबाद जा रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक कुमार। कौन ट्रेन से जा रहा था?